गुड मॉर्निंग आपको आपका यूट्यूब चैनल पर विशेष स्वागत है। अपने छठा लेसन 17 का है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार में आपने जो है संसद है, व्यवस्थापिका है, और आपके कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ा आपने, और अब है आपके सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे शासन का तीसरा अंग है, सरकार का तीसरा अंग है। हमारे यहाँ पर देखो एकल न्यायपालिका अपनाई गई है, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में एकल न्यायपालिका अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान को देखा जाए तो वहां पर दोहरी न्यायपालिका है, अर्थात केंद्र की न्यायपालिका अलग है और प्रांतों की न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था अलग है। अपने यहाँ पर एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका में देखो आपकी सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आता है, आपके और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे भी जो आपके कुछ न्यायालय आते हैं, इसके नीचे भी जो आपके जिला न्यायालय आते हैं, फिर आपके देखो खंडीय स्तर पर आपके खंड न्यायालय आते हैं, या खंडीय स्तर के न्यायालय आते हैं आपके, फिर आपके आपके स्थानीय अदालत है। इस प्रकार हमारा जो ये न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था का जो पिरामिड है, ये आपके पिरामिड का इसमें शिखर पर जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है, फिर इसके नीचे उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ जाती है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, लगभग सभी राज्यों में तो जो है उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ जाती है, फिर राज्य के अधीन जो है जिला न्यायालय है तो प्रत्येक जिले में एक न्यायालय उच्च न्यायालय से अधिक हो गई बढ़ गई, फिर नीचे खंडीय स्तर पर जाती है तो इनकी संख्या और बढ़ जाती है, और नीचे के स्तर पर स्थानीय अदालत आती है। इस प्रकार हमारी जो न्याय व्यवस्था है पिरामिडाकार है, और इसमें सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, और इस सर्वोच्च न्यायालय के नियम है, व्यवस्थाएं हैं न्यायालय की, उन व्यवस्थाओं का उन निर्णयों का सब न्यायालयों को पालन करना पड़ता है, यानी कि सारे जो न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया जो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है उन्हीं प्रक्रियाओं का हवाला नीचे वाले न्यायालय देते हुए अपने निर्णय करते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में न्यायिक प्रक्रिया में अपनाई गई है। इस कारण हमारी न्याय व्यवस्था एकल है, हमारे संविधान में एक विशेषता यह है कि हमारी एकल न्याय प्रणाली एक न्याय प्रणाली है जिसके शिखर पर आपके सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर हमारी सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय आपके केंद्र सरकार में आता है। तो केंद्र सरकार का जो हमारा लेसन है उसमें शासन का तीसरा जो अंग है उसके रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन की जो बात आती है उसमें सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन में निर्माण कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय की बनावट कैसी है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें जो आपके किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है, उनका कार्य प्रणाली, उनका पद नियुक्ति, सब बातें जो आपके इस गठन में आएगी। हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 देखें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था करता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार देखो आपके न्यायाधीशों की संख्या, तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे ये व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है, और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में है। आपके हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 रखी गई थी, मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, कुल संख्या 8 रही थी। बाद में संसद ने जो है समय समय पर इनमें संख्या में परिवर्तन किया, और समय समय पर जो संसद है वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती रही। हमारा जो संविधान है वो न्यायाधीशों की संख्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं।
इनका निर्धारण करने का अधिकार संसद को देता है। तो इस प्रकार हमारी जो संसद है वो संसद ही जो है आपके न्यायाधीशों की जो संख्या है उसका निर्धारण करती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे या कौन कौन से कार्य आएंगे इसका निर्धारण भी हमारी संसद करती है। न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा, उनके लिए क्या क्या सेवा शर्त रखी जाएगी, इनका निर्धारण भी भारतीय संसद द्वारा ही किया जाता है। हमारी संसद ने 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित की उनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने हुए, 31 न्यायाधीश हो गए। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई, 31 हो गई। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। ये वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। अब है आपके नियुक्ति की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है। तो देखो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 126, संविधान का अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कि भारत के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी नियुक्ति एक अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति करेगा। दूसरे जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो आपके संविधान के अनुच्छेद 127 में की गई है। अन्य न्यायाधीश है आपके, अन्य के लिए व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 127 में की गई है। तो भारत का जो आपके राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हमारे मूल संविधान में या प्रारंभ में है तो प्रारंभ में ऐसी परंपरा थी कि हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जिसको वो इस कार्य के लिए उचित समझता है उससे परामर्श लेकर के और न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। न्यायपालिका ने भी प्रारंभ में ये देखा है कि राष्ट्रपति का अधिकार है वो किसी भी जो है न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी और वो व्यवस्था ये थी कि राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, मानना ही चाहिए। इसलिए जो है आपके हमारे जो संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी उस व्यवस्था को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। कुछ नामों की सूची राष्ट्रपति को देगा और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है। और कोलेजियम व्यवस्था क्या है ये मैंने बता दिया आपको कि कोलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश का समूह जो है आपके नामों की सूची या नामों का सुझाव या प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और उस सूची या उस प्रस्ताव में से ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी व्यवस्था को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कोलेजियम व्यवस्था से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। फिर है न्यायाधीशों की योग्यता। तो देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो इन योग्यताओं में देखो आपके पहली आती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि व्यवस्थापिका का सदस्य, चाहे व्यवस्थापिका में आपके लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसका सदस्य होने के लिए भी पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए भी पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा अंग जो आपके साथ सकता है सर्वोच्च न्यायालय उसका सदस्य बनने के लिए भी जो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये पहली योग्यता भारत जो है किसी भी में पूछा जाए आपके, चाहे संसद के सदस्यों के लिए या संसद में आपके लोकसभा या
राज्यसभा के सदस्य हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए सदस्य हो, या फिर आपके न्यायाधीशों के लिए योग्यता पूछ जाए तो उन्हें पहली योग्यता क्या आएगी कि वह भाजपा नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता देखो, ये योग्यता है, बाकी की योग्यताएं अलग है आपकी न्यायपालिका में। दूसरी योग्यता है कि वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रह चुका होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि वह जो है किसी एक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, या तो या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में। जो कई बार होता है कि राष्ट्रपति जो है उनको न्यायाधीशों को तबादला कर देता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पद स्थानांतरित कर देता है, ऐसे समय में लगातार कोई न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक कार्य नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में जैसे राजस्थान में जो है आपके राजस्थान के उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश रह चुका है, उसने 2 वर्ष राजस्थान के उच्च न्यायालय में कार्य किया, फिर उसका तबादला जो है हरियाणा के उच्च न्यायालय में कर दिया, वहाँ उसने 2 वर्ष कार्य किया, फिर उसका जो आपके उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो है स्थानांतरण कर दिया, वहां पर उसने जो आपके 1 साल का कार्य कर लिया। इस प्रकार उसने उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष का कार्य कर लिया तो वो भी जो है व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पद के लिए योग्यता रखता है। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में भी कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन कम से कम उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य होना चाहिए, और वो भी कौन से न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। अगर ये दूसरी योग्यता नहीं हो तो इसके स्थान पर ये योग्यता भी हो सकती है कि वह किसी उच्च न्यायालय में, या तो किसी एक उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय यानी एक से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता क्या होता है, एडवोकेट अर्थात वकील, वकालत कर चुका हो 10 वर्ष तक वह वकालत कर चुका होना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों योग्यताएं नहीं हो किसी में तो जो है किसी के अथवा में है कि वह राष्ट्रपति की राय में कानून विज्ञ होना चाहिए, कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, तो भी जो है उसको क्या किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। देखो हमारी कॉलेजियम व्यवस्था लागू होने के बाद में ये जो आपके उच्च कोटि की योग्यता वाला जो बिंदु है हमारे प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, ये कोई बेहतर नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रपति को जो आपके उन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है जिन नामों की सूची जो है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, इसलिए महत्व नहीं रखती, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में यह आपकी योग्यताएं दी गई है। तो पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पद पर कार्य रह चुका हो, अथवा उसके स्थान पर वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में वह कानून का ज्ञाता हो। तो आपसे कई बार 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 2 योग्यताएं लिखिए। अब ये 2 योग्यता ये आप उनको ज्यादा समझते हैं ज्यादा नहीं है, पहली योग्यता ये है, दूसरी योग्यता है, दूसरी की है अथवा ऐसा योग्यता है। अब है आपके कार्यपालिका एवं महाभियोग, कार्यपालिका एवं महाभियोग। तो देखो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, लेकिन कार्यपालिका जो है इन न्यायाधीशों को पदच्युत नहीं कर सकती, पद से नहीं हटा सकती। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है, और महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के बाद ही कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है, अर्थात उस पर उसको पद पर उसका कार्यकाल है, न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष की आयु का है। कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। इससे पूर्व अगर कोई न्यायाधीश अपना पद छोड़ना चाहे तो स्वयं जो है आपके त्याग पत्र दे सकता है, और स्वयं त्याग पत्र देकर के भी जो है इस समय से पूर्व अपने पद से हट सकता है। इसके अलावा उसकी मृत्यु, अगर किसी न्यायाधीश की मृत्यु पूर्व में हो जाती है तो भी जो है उसका पद रिक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसद में जो है महाभियोग द्वारा
न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में जो आपके या तो सिद्ध कदाचार के आधार पर लाया जाता है या फिर ऐश क्षमता के आधार पर लाया जाता है। कदाचार का मतलब होता है दुराचरण, यानी कि न्यायाधीश का आचरण संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, या फिर वो न्याय करने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में जो है संसद क्या करती है, न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। देखो आपके यदि संसद के दोनों सदन, यदि संसद के दोनों सदन किसी न्यायाधीश के सिद्ध कदाचार या असमर्थता के लिए या असमर्थता से संबंधित प्रस्ताव जो है लाते हैं और प्रस्ताव लाने के बाद में दोनों सदन अलग अलग अपने दो तिहाई बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, तो ऐसे मुद्रा के भारत का राष्ट्रपति अपने आदेश में न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश होते ही जो है संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है। तो यहाँ पे बात आती है महाभियोग की, जो मैंने अभी बताई है। महाभियोग में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध असमर्थता या कदाचार में दुराचरण के कारण उसको पद से हटाने के लिए पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसे लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा संबंधित न्यायाधीश पर लगाए गए जो आरोप है उनकी जांच करती है और जांच करने के बाद में राज्यसभा की ये पाती है कि लोकसभा द्वारा लगाए गए आरोप सही है और फिर वो भी जो है उस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित कर देती है तो वो प्रमाणित हो जाता है। दो तिहाई बहुमत से पारित कर देती है तो प्रमाणित हो जाता है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति दुराचारी या असमर्थ है और ऐसा प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति क्या करता है आपके उस न्यायाधीश को पद से हटने का आदेश दे देता है और न्यायाधीश जो है अपने पद से हटे जाता है या अथवा माना जाता है। ये जो आपकी महाभियोग की प्रक्रिया है हमारे संविधान के नीचे 124 दी गई है फिर आपके वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भी मिलता है, भत्ते भी मिलते हैं और इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं आवास है, गाड़ी है, मोबाइल सुविधा है, ये सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 125 में व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 280,000 रुपए का वेतन प्रतिमास, 280,000 रुपए मासिक वेतन तथा सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों का वेतन 250,000 रुपए मासिक वेतन होगा और ये मासिक वेतन उनको मिलता है। तो मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है 280,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों को जो है कितना वेतन मिलता है 250,000 रुपए जो है आपके मासिक वेतन मिलता है, अर्थात प्रतिमाह ये वेतन मिलता है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आपको बात आ गई तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपके एस आर बोबड़े, एस आर बोबड़े जो आपके शरद अरविंद बोबड़े, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। तो इनको वर्तमान में जो आपके 280,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और इनके अलावा अन्य जो न्यायाधीश रह गए उनको 250,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा इनको आवास सुविधा है, वाहन सुविधा है, बिजली की सुविधा है, मोबाइल सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं भी जो आपके इनको प्राप्त होती है मुफ्त में फ्री में प्राप्त होती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने के बाद में पेंशन मिलती है और सेवानिवृत्ति पेंशन ग्रेच्युटी भी मिलती है, अर्थात सेवानिवृत्त होने के समय जो कर्मचारी होता है उसको कुछ राशि जो है आपके इकट्ठी दी जाती है सरकार द्वारा, इकट्ठी राशि दी जाती है उसे सेवानिवृत्ति पेंशन कहते हैं, तो ये भी उन्हें प्राप्त होती है। इसके अलावा इनके वेतन और भत्ते होते हैं, समय समय पर इनके संसदों
उन मुक्तियां ये आलोचना से मुक्ति प्रदान करना। तो देखो स्रोत से न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीश को उनके कार्य है, उनके निर्णय है, इनकी आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश कोई कार्य करता है या किसी बात में कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय की आलोचना सरकार या सामान्य जन कोई भी नहीं कर सकता और उस न्यायाधीश का नाम लेकर तो किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जा सकती। संसद में भी न्यायाधीश के कार्यो की आलोचना नहीं होती है, केवल संसद में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव रखा हुआ है, महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में चर्चा चल रही है तभी जो है जिस न्यायाधीश के लिए महाभियोग है उसी न्यायाधीश के बारे में आलोचना की जा सकती है या जो है उसी न्यायाधीश के बारे में चर्चा की जा सकती है, अन्य न्यायाधीश की कोई आलोचना नहीं की जा सकती और नहीं आलोचना होती। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, तो आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। न तो सरकार का कोई सदस्य है और न ही जनसामान्य विधायक की आलोचना कर सकता। फिर आपके न्यायालय का मुख्य स्थान की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा। इसकी शाखाएं जो आपके देश के किसी स्टेट में इसकी शाखा स्थापित करने की व्यवस्था जो आपके संसद को दी गई है ताकि प्रधान कार्य जो है कार्यालय प्रधान मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा। यह व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 130 में की गई है। फिर न्यायाधीशों का प्रतिमान है, तो संविधान में न्यायाधीशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रह करके और निष्पक्ष रह करके जो है आपके न्याय कर सके। यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए ये दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो नियुक्तियां और एक न्यायाधीश के पद पर है न्यायाधीश पर प्रतिबंध। ये दो बातें जो है आपके न्याय प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए की गई है। प्रतिबंध ये है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश रह चुका है व्यक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद में अर्थात न्यायाधीश के पद से हटने के बाद में भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं करेगा, न तो किसी न्यायालय में कर सकता और न ही किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के वो वकालत का कार्य नहीं कर सकता ताकि भविष्य में वकालत के लालच से उनको मुक्त रखा जाए और निष्पक्ष निर्णय दे सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अगर मान लो ये प्रतिबंध नहीं होता तो न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कोई भी न्यायाधीश किसी भी आपके सरकारी या निजी संस्थान के प्रति इस लालच में कि मुझे आने वाले समय में ये संस्थान अपना वकील रख लेगा या मुझे जो है वकील के लिए पैसा देगा, इसे आधार पर क्या करता वो अपने निर्णय को प्रभावित कर सकता था या उसके निर्णय प्रभावित हो सकते थे, तो न्यायाधीश के निर्णय प्रभावित नहीं हो वो निष्पक्ष रह करके न्याय करें, इसके लिए संविधान में यही व्यवस्था है कि वो पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में किसी भी न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। अब आपके विश्लेषण में केवल सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां रह गया, वो अगले जो आपके वीडियो है उसमें बताया जाएगा। इनको याद करना आपको और इनको याद करके जो है आपके ट्यूशन पढ़ना है, इनसे ट्यूशन में एक तो आपको योग्यता ही पढ़नी है और एक आपको जो है कार्यपालिका महाभियोग का जो व्यवस्था है इनको आपको ट्यूशन बना के लिखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हैं और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या व्यवस्था है,